दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज जब मैं बंगाल के चुनाव पर बात कर रहा हूं तो आपको बताऊं, मैं कई दिलचस्प जो लोग हैं, कई अलग अलग ढंग की बात कहने वाले, अलग अलग राय रखने वाले लोग, उनमें एक सज्जन की जो बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और शुरुआत वहीं से करूँगा। ये बात 17 तारीख की है और उस दिन मैंने एक ऐसे सज्जन से बात की जो पूर्वांचल से आते हैं, जिस इलाके से बाई चांस मैं भी आता हूँ। मेरा भी जन्म पूर्व उत्तर प्रदेश में हुआ और हमारे इलाके के लोगों का कलकत्ता से, जो अब कोलकाता कहा जाता है, इससे बहुत गहरा रिश्ता रहा है। अनेक लोगों की स्मृतियां हैं, तीन तीन चार चार पीढ़ियों से लोग वहां रहते हैं और उसको अपना ही देश समझते हैं। उनको नहीं लगता कि ये दूसरा प्रदेश है और हम किसी दूसरे प्रदेश के हैं। वो उसी तरह बांग्ला बोलते हैं जिस तरह वहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं। तो ऐसी ही एक पीढ़ी के, एक ऐसे सज्जन जो मुझे लगता है तीसरी चौथी पीढ़ी के होंगे, एक परिवार के, उनसे मेरी बात हुई और मैंने जानना चाहा कि क्या हालात चल रहे हैं आजकल आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि अभी ओपिनियन हमने नहीं बनाई कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन हम हरगिज ऐसे लोगों को वोट तो नहीं दे सकते जो हमारे हावड़ा ब्रिज को भी बेच दें। अब ये जो उनका कटाक्ष था, इसको हम कटाक्ष कहें, गुस्सा कहें, या इसको किस रूप में हम लें, मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज सिर्फ कोलकाता का नहीं बल्कि समूचे बंगाल की एक पहचान रही है और उन लोगों के लिए खासकर जो बाहर से जाते हैं। एक ऐसा पुल जो 1940s में शुरू हुआ बनना और 1943 आई थिंक उसके आसपास ये पुल जो है हैंडओवर किया गया था और ये अचानक ऑपरेशनल हो गया, लोगों को आने जाने के लिए खोल दिया गया। एक ऐसा बड़ा ब्रिज है, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक अनोखा ब्रिज, जिसकी शुरुआत बगैर किसी उद्घाटन के हो गई। आजकल के नेता होते तो आपस में होड़ मच जाती कि कौन उद्घाटन करेगा, कौन फीता काटेगा, लेकिन इसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ। बड़ी अद्भुत कहानी है, उसकी वजह थी कि वर्ल्ड वार का समय था और लोगों के लिए कोई रंगारंग समारोह करने के बजाय अचानक खोल दिया गया और कहा गया कि लोग आए जाएं। और इसके आसपास एक बम भी गिरा था उन दिनों और वो जापान की तरफ से वो बमबारी हुई थी, हालांकि इसमें कोई क्षति इसकी नहीं हुई। तो ये अनोखा पुल है जो हुगली नदी पर है और जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है, बल्कि दो इलाकों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो पहचान है बंगाल की या कोलकाता की खासकर, वो उसके बारे में जो ये टिप्पणी आई वो क्यों आई। दरअसल उसी दिन अखबारों में खबर आई थी कि हमारी सरकार 2.5 यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकारी कोष में पाने के लिए, हासिल करने के लिए अपने ऐसे भी एसेट्स बेच रही है। सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं बेच रही है, केवल कॉर्पोरेशंस को नहीं बेच रही है जैसे LIC या बैंक केवल, बल्कि वो सड़क से लेकर के स्टेडियम और ट्रांसमिशन के जो 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 टावर्स हैं उनको भी बेच रही है और बेचेगी या उसमें स्टेक देगी। अब ये जो खबर थी हर जगह अखबारों में छपी थी, हो सकता है कि इसके रिएक्शन में मास्टर साहब ने ऐसी बात कही हो कि कहीं ये पुल न बिक जाए। तो ये एक कटाक्ष भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि शायद लोगों को अनुमान नहीं है कि लोगों के दिमागों में, बड़े लोगों को अनुमान नहीं, ये कहने का मतलब राजनेताओं को, कि आम जो मतदाता है उनके दिमागों में कैसी कैसी बात चल रही है। टेलीविजन को देखिए तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक पार्टी जय श्री राम के नारे से लोगों को मोबिलाइज कर रही है, दूसरी पार्टी हेला होबे कह के मोबिलाइज कर रही है। तो ये क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? क्या केवल लोग बड़े नेताओं, बड़ी पार्टियों के नारों में बह रहे हैं या वो सोच भी रहे हैं अपने तय भी? मुझे लगा दोस्तों कि वाकई वो लोग सोच भी रहे हैं। क्या इसका नतीजा होगा मैं नहीं जानता और ये अनायास नहीं है। BPCL का उदाहरण ले लीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आंकड़ा अगर आप देखिए तो ये आंकड़ा जो मेरे पास है वो उसकी
कंपनी की जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट जो होती है उसका है। इसमें 2018-19 में सरकार को 1,06,000 करोड़ रुपए बीपीसीएल ने सौंपे थे। अब आप सोचिए, और सरकार उस बीपीसीएल को, यानी एक साल में जो कंपनी भारत सरकार की नवरत्ना कंपनी 1,06,000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में जमा कराती है, वो कंपनी को भारत सरकार जो बेचने की तैयारी कर रही, स्टेक अपने बेचने की तैयारी कर रही है, उसको कुछ हजार करोड़ में, कल्पना कर सकते हैं आप। तो ये जो विनिवेश या जो स्टेक बेचना या हैंडओवर करना पूरी कंपनी को प्राइवेट हाथों में, जो ये सिलसिला चल रहा है, क्या ये मतदाताओं के दिमागों से बिल्कुल गायब है? क्या ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के बीच की बात है? क्या नौकरियां लोगों की नहीं जा रही हैं? क्या लोगों का जो आरक्षण है, खासकर दलित आदिवासी ओबीसी लोग के लोगों का, क्या इससे खत्म नहीं हो रहा है? क्या ये चुनाव में मुद्दा नहीं बनने जा रहा है? मुझे लगता है कि जो अखबार बड़े हैं अंग्रेजी के, हिंदी के, जो टेलीविजन बड़े हैं अंग्रेजी के, हिंदी के, उनके लिए भले ही ये बड़ा मुद्दा लोगों के दिमागों में हो, लेकिन लोगों के दिमागों में सचमुच ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कम से कम मैं जब भी बात कर रहा हूं, और मैं केवल एक सोच, एक धारा, एक एक तरह की विचारधारा के, एक तरह की राय रखने वाले लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसनसोल से लेकर पुरुलिया और कोलकाता से लेकर के और तमाम बांकुड़ा, हर इलाके में खोज खोज कर लोगों से बात करता हूं, क्योंकि मुझे तकलीफ है कि मैं एक पत्रकार के तौर पर बंगाल में इस वक्त नहीं हूं, असम में नहीं हूं, और अगर ग्राउंड लेवल पर हम रिपोर्ट करते तो शायद और बेहतर हम लोगों की बात समझते। तो इसलिए मेरे अंदर का रिपोर्टर बार बार कोशिश करता है कि मैं अलग अलग लोगों से बात करके और तब मैं आपके बीच अपनी बात रखूं। तो ये दोस्तों जो कोलकाता की ये कहानी है, बड़ी दिलचस्प है। और दोस्तों दूसरी बात, जो नेताओं के जो नारे हैं उन पर भी लोग अजीब अजीब टिप्पणियां कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में जो सत्ताधारी दल है, जिसका दावा है कि बंगाल वो जीतने जा रही है, सत्ताधारी पार्टी, उसके जो नेता हैं वो आमतौर पे एक बड़ा नारा इस समय दे रहे हैं जय श्री राम के अलावा, आमार सोनार बांग्ला बनाएंगे, आमार सोनार बांग्ला बनाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने उधार लिया है ये लाइन, लेकिन हमारा ये कहना है कि आमार सोनार बांग्ला, तो ये क्या वो पहली बार बनाएंगे? क्या पहले कभी नहीं था? और दूसरी बात कि कैसे बनाएंगे? क्या ये जो बड़ी कंपनियां हैं, रोड है, स्टेडियम है, टावर्स हैं, ट्रांसमिशन के जो चीजें हैं, अभी चाहे वो बिजली का हो, चाहे टेलीफोन का हो, टावर हो, या जो भी और कुछ बचा है अपने देश का, क्या उसको प्राइवेट हाथों में देने से ही केवल आमार सोनार बांग्ला बन जाएगा? कैसे बनेगा आमार सोनार बांग्ला? क्या ये समुदायों और समुदायों के बीच में विभेद पैदा करके आमार सोनार बांग्ला बनेगा? तो ये एक बड़ा जो सवाल लोग उठा रहे हैं। और अगर आप देखिए, आमार सोनार बांग्ला क्या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट को आमार सोनार, आई मीन जो भी आप उसी स्टेट का नाम जोड़ लीजिए, वो बनाने का मौका नहीं मिला? 15 साल जहां पर मौजूदा सत्ताधारी दल केंद्र की जो पार्टी है, अगर वो रही है तो वो आमार सोनार मध्य प्रदेश क्यों नहीं बना? वो आमार सोनार राजस्थान, आमार सोनार उत्तर प्रदेश, आमार सोनार बिहार क्यों नहीं बने? तो अभी बिहार में भी अगर आप देखें तो 15 साल से, बहुत वर्षों से राज कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी उसमें एक अलायंस पार्टनर है नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ। लेकिन अगर हम देखते हैं इनकी ग्रोथ, तो ग्रोथ के मामले में या विकास के मामले में हम ओवरऑल अगर देखें तो देश में केरल अभी भी नंबर वन प्रदेश है, और अगर बिहार का नंबर हम ग्रोथ में लेते हैं तो वो 17वां है, यूपी 18वां है, मध्य प्रदेश 12वां है, बंगाल 11वां है, असम 16वां है। तो ये जो अब एसडीआई का मामला देख लीजिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहते हैं, उसमें केरल नंबर वन है, बंगाल 28वां है, राजस्थान 29वां है, मध्य प्रदेश 33वां है, यूपी 35वां है, बिहार 36वां है, यूनियन टेरिटरी और सारे स्टेट्स मिलाकर। तो बिहार की स्थिति अंगोला के आसपास की है और यूपी की घाना के बराबर है। तो ये अब अगर केरल की अगर स्थिति देखें तो नॉर्थ अमेरिकन जो एक देश है, आई मीन मेक्सिको, उसके आसपास है। तो ये अगर विकास का पहलू जो हम जो आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं वो कोई मेरे नहीं है, और इसमें ये विभिन्न जो एजेंसीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट से लेकर के और नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं उनके ये आंकड़े हैं।
इसमें दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं काम करती हैं यूएन से जुड़ी, उनकी उनकी ओर से ये पेश किए गए आंकड़े हैं। अगर आप देखिए जैसे अपराध के मामले में, तमाम तरह के जो ऐसे संज्ञेय अपराध हैं उनके मामले में, तो जितने स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी राज कर रही है, अमार सोनार हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप उनके आंकड़े देखिए तो वो हॉरिबल है। अब अपने कृष्ण, ये बहुत ही मशहूर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समय बंगाल के प्रभारी भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, अब ये भी कहते हैं कि हम बंगाल को हिंसा से मुक्त करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि हिंसा से मुक्त हर प्रदेश हो जाए भारत का, कौन नहीं चाहेगा, हर नागरिक चाहेगा। लेकिन दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय जी वही हैं जो मध्य प्रदेश में जिनके विधायक पुत्र ने कॉरपोरेशन के एक अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से पीटा था और दुनिया ने देखा था क्योंकि वो विजुअल सबके सामने आ गए थे। तो कैलाश जी अब हिंसा मुक्त करेंगे बंगाल को, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हिंसा के मामले में ही, क्राइम के मामले में ही इन स्टेट्स के आंकड़े देखें भारत के, तो आप पाएंगे कि अब जैसे एक बलात्कार का मामला है, बलात्कार के जो अपराध हैं उसके जो आंकड़े हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय एनसीआरबी के, उन आंकड़ों में भी अगर आपको मैं बताऊं तो दोस्तों इस वक्त राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये दो स्टेट्स सबसे ये सर्वाधिक रेप जो इस समय एनसीआरबी आंकड़ों के हिसाब से है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके बाद है, और दिलचस्प बात है कि असम छठा प्रदेश हो गया है और हरियाणा सातवां प्रदेश हो गया है एनसीआरबी गृह मंत्रालय। तो ये स्थिति है। और जो 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 और जो हिंसक वारदात हैं, जो बड़े अपराध हैं, उस मामले में उत्तर प्रदेश का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश चूंकि आबादी भी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से अपराधों की जो सूची होती है बहुत बड़ी है। लेकिन इस बीच में मैंने देखा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में केरल जैसे प्रदेश में भी और दिल्ली जैसे प्रदेश में भी क्राइम लगातार बढ़ रहा है, वो भी अगर औसत देखा जाए प्रति व्यक्ति तो वो अपराधों के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात है। लेकिन दोस्तों हम बात अभी बंगाल की कर रहे हैं और बंगाल के बारे में ये जो पहलू हैं मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाले हैं। और अगर वहां के लोगों की बात हम करें तो लोगों के बीच में अगर ये सवाल हैं, खासकर विभिन्न राजनीतिक दलों को लेकर, तो ये चिंता जगाने वाले हैं इन पार्टियों के लिए जिनके नेता समझ रहे हैं कि लोग केवल उनके जुमलों में, उनके हवा हवाई नारों में, धर्म संप्रदाय की बातों में आकर वोट दे देंगे। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को उनके लिए बेहतर जिंदगी चाहिए। नौकरियां जिस तरह छिन रही हैं वो जरूर लोगों के अंदर उनके उनके दिमागों में बसी हुई चीज है, जिसको जुमलों से और सिर्फ नारों से और भड़कीले चुनाव प्रचार से पूछा नहीं जा सकता है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए नतीजा क्या निकलता है, बहुत दिलचस्प ये चुनाव है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।